रेजोल्यूशन लेके आवांगे इन्हां दी अपनी जिहड़ी अलायंस पार्टनर है पुछो वित्सा सिंह वलटोआ साहब नूं कि बीजेपी दा शरेआम कह रही कि असीं बिल्कुल कोई रेजोल्यूशन लिआउण नहीं देना और उस नूं डैथ सेंटेंस देनी दित्ती जानी चाहीदी। अमरिंदर सिंह ने इस करके अपोज किया वा ही सेइंग कि क्योंकि आफ्टर द मर्सी पटीशन हैज बीन डिनाइड द केस हैज गॉन बैक टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेन राइट सो द रेलेवेंस ऑफ ब्रिंगिंग अ रेजोल्यूशन एट दिस जंक्चर It is not it's already in the court, right? अगर रेजोल्यूशन लिया सी इन्होंने अकालिया ने तो इन्होंने रेजोल्यूशन जब वो पेंडिंग सी पटीशन राष्ट्रपति दे कोल उस वक्त सारा हाउस कट्ठा हुंदा सारिया पार्टियां कट्ठिया होकर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर दिया और राष्ट्रपति दे मोहरे जाके रख दिया कि जो तुसी ओदी मर्सी पिटीशन कंसीडर कर रहे हो प्लीज कंसीडर एक जवाब मैं पूछना चाहना ये कहते जी किसी अफसर ने फाइल करता एफिडेविट विल ही कम ऑन टेलीविजन एंड से के दैट ओ जड़ा एफिडेविट फाइल होया सुप्रीम कोर्ट विल ही से के बादल सरकार विड्रॉ करो उन हुन तो पता लग गया इन्हां नूं बिल्कुल इच कोई डरावनी जिहड़ी इन्हां गल कीती है जिहड़ी पार्टी स्टैंड लै रही है हां जी पार्टी इस गल नाल सहमत हो इनोसेंट है इनोसेंट कह रहे हैं और इनोसेंट उन्होंने जी गल कह रहे हैं उस स्टैंड से खुड़ते हैं एफिडेविट ड्रॉ करा दो तुहाडा सारा गल क्लीयर हो जाऊगी जी आप इस गल ते आइए जिहड़ा अज का मसला अपना है कि विधानसभा का सैशन आ रहा जी प्रोफेसर दविंद्रपाल सिंह भुल्लर जी 18 साल जेल च हो गए 1993 तो लैके 95 तक रहे जर्मन की जेल बिल्कुल 95 च इधर वापस इंडिया भेजे गए बिल्कुल और जी जेल है जिस आदमी ने कट्टी है उन्होंने पता है मगर सतपाल जी का कहना है कि जो प्रेजिडेंट को पटीशन पई सी मर्सी पटीशन पई सी उस टाइम ते यह जो मुद्दा सी वह क्यों नहीं चक्या गया वह मुद्दा हूं ही क्यों चक्या गया नहीं मर्सी पटीशन जी पई सी किसी ने भी आस नहीं सी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री और सॉरी राष्ट्रपति उन्होंने डैथ सेंटेंस देंगे क्योंकि बड़ी वार प्रधानमंत्री साहब न भी सीएम साहब मिले ने राष्ट्रपति भी मिले ने सारे वालों यही सीगा भी उन्होंने डैथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी मौत की सजा नहीं दी जाएगी हाँ जी और हिंदुस्तान का जोड़ा होम डिपार्टमेंट है वो सिफारिश के उत्ते ही राष्ट्रपति साहबा ने डैथ सेंटेंस फिर दोबारा जी उन्होंने बहाल रख दी ये दे विच तुसी सारा कुछ देखो ना जसटीन जी मैटर इज वेरी क्रिस्टल क्लियर भुल्लर जी का केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट च आ गया और सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट हैव पंजाब गवर्नमेंट कांट हैव टू स्टैंड्स ऑन इट वन दैट दे आर सपोर्टिंग सुमेध सैनी द अदर दे से दैट वी आर सपोर्टिंग दविंद्रपाल भुल्लर दे हैव टू चूज वन ऑफ देम सो दे शुड नाउ क्लैरिफाई ऑन द टेलीविजन हेयर के वेदर दे स्टैंड फॉर सुमेध सिंह सैनी और दे स्टैंड फॉर दविंद्रपाल सिंह भुल्लर अगर एफिडेविट फाइल रिटायर उतो मैं थोड़े दोनों को वापस आ रही हूं एक सर ब्रेक लेने का टाइम हो गया मैं थोड़े को वापस आ रही हूं जी इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर टू स्टे विद अस Welcome back. We'll continue our discussion on the issue of clemency for Puller. मैं विरसा जी तौर तो पूछना चाहूंगी कि इस क्लीमेंसी के इशू उत्ते दोवें पार्टीज जो अलायंस पार्टीज है ने बीजेपी ते श्रोमणी अकाली दल उन्हां दे विच इह एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैगा उहदे बारे तुसीं की कहोगे भारतीय जनता पार्टी की आपदी नीति है जी श्रोमणी अकाली दल जिथे पंजाब की राजनीति करता है उत्थे सिख कम्यूनिटी के हर इशू के नाल भावनात्मक तौर पर जुड़िया होया और उहदे मुद्दियां नूं उहदे इशूज नूं उहदियां भावनावां नूं हल करना श्रोमणी अकाली दल का फर्ज बनता है उन्हां दी भारतीय जनता पार्टी की आपकी नीति है गल इतनी चलती है कांग्रेस प्रेजिडेंट जो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्होंने भी यह गल की है कि प्रोफेसर दविंद्रपाल सिंह भुल्लर की जी फांसी की सज़ा है वह माफ होनी चाहिए है तो उम्र कैद तब्दील होनी चाहिए तो जे इस गल में सहमत ने तो फिर हिंदुस्तान की गौरमेंट के उपर प्रैशर बनाने वास्ते और हिंदुस्तान के पंजाब के लोगों दे जज्बात ने इतों की आवाज़ पहुँचाने वास्ते सानू सांझे रूप च ये जी गल करनी चाहिए वैसे तो मैं तो जाति तौर पर यह भी चाहना कि भारतीय जनता पार्टी में इस इशू से पंजाब के लोगों के शामिल होना चाहिए पर मैं श्रोमणी अकाली दल वालों सारिया धिर बेनती भी करदा और श्रोमणी अकाली दल का यह स्पष्ट स्टैंड है कि असी जिहड़ियां सिखां दीआं भावनावां जिहड़ियां इस इशू के उत्ते जुड़ियां होईआं ने हाँ जी उहदे उत्ते असी स्टैंड करते हैं और जिहड़े सुखपाल जी गल करते हैं एफीडेविट की गल करते हैं जां होर गल्लां करते हैं ये जो गल्लां करन वालियां ने विधानसभा सैशन आ जाना है तुसीं उत्थे जिहड़ी भी हैगी गल आप कलैरीफाई सीएम साहब के लैवल जिहड़ी गल सीएम साहब उत्थे कलैरीफाई कर देणगे कि साडा स्टैंड की सी जे सुप्रीम कोर्ट की गल इन्हां ने गल कीती एफीडेविट की गल कीती उत्थे वह भी क्लीयर कर देणगे गल सिर्फ इन्नी है इस वेले एफीडेविट महत्व है रखता है
ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। श्रोमणी अकाली दल का प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की जिस दिन तो डेथ सेंटेंस हुई है उस दिन तो असं इस गल के हक च है कि एक इनोसेंट परसन एक इनोसेंट व्यक्ति सजा दी गई है जिद नाल सिख कौम दीआं भावनावां जुड़ियां ने। और इस वेले मुद्दा जिहड़ा आ जिथे भी किते सिख बैठा दुनिया दे विच उहदीआं प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह दे नाल उहदी जज्बाती सांझ बणी है। मैं सुखपाल जी को पूछना चाहूंगी, तुहानूं लगदा कि एक बहुत रेयर केस है जिथे कांग्रेस ते बीजेपी दे हैव एक्चुअली कम टुगेदर टू अपोज दिस इशू ऑफ क्लीमेंसी? कैप्टन अमरिंदर सिंह इज नॉट अपोजिंग कन्वर्जन ऑफ डेथ पेनल्टी इनटू अ लाइफ सेंटेंस, राइट? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡੈਥ ਰੋ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮੈਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ, ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਓ। ਅਗਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਡਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਨ ਟੂ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਐਨੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਵੇਟੇਜ ਇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਦ ਵੇਟੇਜ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਮਤਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਬਟ ਲੈਟ ਦੈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਐਡੇ ਹੀ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹਿਮ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਵੀ ਮਾਈਟ ਸਪੋਰਟ ਇਟ, ਵੀ ਮਾਈਟ ਅਪੋਜ਼ ਇਟ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੈਟ ਦੈਮ ਕਮਿਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ struggling to get statehood rights. BJP's Rajya Sabha MP from Punjab, Avinash Rai Khanna, claimed today. At a press conference in Chandigarh, he said the refugees are denied benefits of centrally sponsored schemes. The West Pakistan Refugees Action Committee President Lab Ram Gandhi claimed that the families were struggling for voting rights and even birth certificates. Joining us for a discussion on this is BJP's Rajya Sabha MP Avinash Rai Khanna. Sir, aapka studio mein bahut bahut swagat hai. Sanu tusi eh dasso ki tuhada jo eh refugees di welfare da jo eh khayal hai, eh kadon aaya? I mean, kivein aaya naale? Jadon main Lok Sabha da member parliament si, us vele Jammu de vich ik bahut vadda dharna inna refugee ne with family lagaya si, aur ik march jehda siga towards Vidhan Sabha ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
सिंथेटिकली कंसिडर करांगे, लेकिन अफसोस की गल है कि वह अज तक उन्होंने ना राइट टू वोट मिलिया, ना राइट टू रेजिडेंस मिलिया, ना उन्हों का बर्थ सर्टिफिकेट बनता, ना उन्हों का डैथ सर्टिफिकेट बनता, ना उन्होंने कोई गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी मिलती है। तो इस तरह की जो तुसी हुन फैमिलीज दी अवेयरनेस दे बारे जो गल कर रहे हो कि इन अवेयरनेस तो बाद तुसी की हासिल की इन चीज़ों को अचीव कर सकोगे जिवें कि कॉम्पनसेशन फॉर सस्टेनेंस, रिहैबिलिटेशन, इंप्लॉयमेंट ते उन्हां दी सिटीजनशिप, तुहानू लगता है कि तुसी ये हासिल कर सकोगे? डेफिनेटली ये थोड़ा जिहा दी बैकग्राउंड समझण दी लोड़ है इस पॉइंट की, क्योंकि ये लोग 1947 दे विच जदों देश का बंटवारा होया उस वेले ये लोग आके जम्मू कश्मीर च बस गए सी। हाँ जी, बाकी देश के दे लोगों जे पाकिस्तान तो आए सी सबनों कंपनसेशन मिली, सबनों लैंड मिली, हाउसेस मिले, लेकिन जे 47 दे विच पाकिस्तान तो आके जम्मू च रिफ्यूजी बसे ने वो अज भी अपने देश रिफ्यूजी ने। ठीक है, पहला ये लोगों की गिनती जी सी सिर्फ 3713 परिवार आए सी, अज तीजी जनरेशन इन्हों की हो गई है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जे जहाज भी कोई बच्चा जन्म ले लैंदा और जितों जहाज लंघदा हुंदा कास्ट वाइज कैलकुलेशन करिए 3% सिख ने, 80% एससी ने और बाकी 17% जनरल कैटेगरी के लोग ने। तो इन्हां दी स्ट्रेंथ भी वधी है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी ताकत नाल यह मुद्दा उठाने का निश्चय भी किया। दो बार मैं खुद इन्हों लोगों उत्थे जम्मू कश्मीर मिलकर भी आया उस तो बाद, और साड़ी राष्ट्रीय टीम जिदे चेयरमैन श्री राजनाथ सिंह जी है वह भी उत्थे अपने बाकी साथी एम पी नाल गए ने। असी इनू लीगली और पोलिटिकली दोवें एंगल से फाइट करना चाहते हैं, जे सानू कोर्ट्स भी जाना पैंदा और राज्यसभा लोक सभा च भी मुद्दा उठाना पैंदा तां वी असी इनू उठावांगे। एक च इंपोर्टेंट फैक्टर यह है 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਨੂਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री सी उस वेले इन्हां लोगों ने बहुत इफेक्टिवली एजिटेट किया सी, तां ये गुलाम नबी राज नूं मिले, उन्होंने कमिट किया सी थोड़ी प्रॉब्लम जिहड़ी मैं समझदा, और उन्होंने उत्थे दे उस वेले दे एफसीआर सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर मिस्टर वधवा उन्होंने अध्यक्षता से कमेटी बनाई सी, उन्होंने वधवा कमेटी कहिंदे आ, तां उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दित्ती है। हां जी, उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर जिहड़े ने सारियां दी प्रॉब्लम्स लॉ दा मैटर, पॉलिटिकल मैटर सारे नूं डिस्कस करके अपनी रिपोर्ट जिहड़ी है वो सरकार नूं दित्ती है। वो रिपोर्ट दी इंप्लीमेंटेशन जीबी जे हो जांदी है तां वी इह इहनां दा मुद्दा। तुसीं की उम्मीद रखदे हो केंद्र सरकार तों ते सूबा सरकारां तों? देखो इहनां लोकां दा कहना, जे तुसीं अज प्रैस कॉन्फ्रेंस देखिया होएगा कि अज नूं अज देश नूं रूल करन वाला कौन है, एक वह भी पाकिस्तान तों आए श्री मनमोहन सिंह जी है, वह चंगी तरह उहनां दीआं भावनां नूं समझदे आ, तो इस करके यह एक पोलिटिकल इशू ना होके एक मानवता का इशू है, एक इंसानियत का इशू है जिन्हों सारिया पार्टियां कट्ठे होके उन्होंने लिए संघर्ष करना चाहिए। लीगल रेमेडीज की ने अपने हक हासिल करने के लिए दो रेमेडीज ने, पोलिटिकल भी है ते लीगल भी है, कोर्ट भी जा सकते हैं, असैम्बली दे विच एक सरकार ने वधवा कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट करना है, इन्हों का मसला हल हो जाना जी। तो साढ़े स्टूडियो आए हो बहुत बहुत धन्यवाद जी। इट्स टाइम टू टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर।